नेक्स्ट केस अपन देखते हैं। नेक्स्ट केस में इसी में यहां पर क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं बोल रहा हूं कि आपका जो डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है कहां पे लाई कर रहा है, वो वेब में लाई कर रहा है, लेकिन आपका जो फ्लैंज जो है ना, जो फ्लैंज जो है वो स्ट्रेस ब्लॉक में, स्ट्रेस डायग्राम में कहां पर लाई कर रहा है, वो उसके पैराबोलिक रीजन में लाई कर रहा है। पैराबोलिक रीजन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मैंने टी बीम बनाया, ठीक है, ये मैंने टी बीम यहां पर बना दिया। अब हो क्या रहा है, इसमें आपको बोला है कि आपका जो इसका जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस का, वो कहां पर आ रहा है, वेब में आ रहा है। तो ये क्या हुआ आपके पास, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है आपके पास, वेब में देखने को मिला, ठीक है। और ये क्या आपके पास, यहां पर टेंशन फोर्स आएगा कहां पर, जहां पर आपका रीइन्फोर्समेंट लगा है। अच्छा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस है तो मतलब क्या होगा, ये यहां से क्या हो रहा है आपके पास, आपके पास कुछ इस टाइप से क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप यहां पर ये समझिए कि ये क्या था आपके पास, जो डेप्थ ऑफ क्या है आपके पास, फ्लैंज है, दिस इज व्हाट, डीएफ। और ये वाला जो आपको मिल रहा है ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन कहां पर देखने को मिलता था, 3/7 XU पे देखने को मिलता था। अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो डीएफ जो है वो ग्रेटर देन हो गया, कैसे, 3/7 XU से। मतलब कहां पर वो लाई कर रहा है, वो पैराबोलिक रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। आप यहां पर देखिए कि आपके पास ये जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो कहां पर लाई कर रही है, वो उसके पैराबोलिक रीजन पे लाई कर रही है। इसके पहले वाले केस में क्या बताया था मैंने, इसके पहले वाले केस में बताया था कि जो डीएफ जो है वो कहां पर लाई कर रहा है आपका, उसका रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, केस यहां पर डिफरेंट हो गया। अब आप यहां पर देखिए, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में क्या बताया था मैंने कि आपका ये जो डीएफ जो आ रहा है, ठीक है, ये जो डीएफ जो आ रहा था वो क्या हो रहा था आपके पास, वो रेक्टेंगुलर के अंदर आ रहा था, ठीक है। ये वाला जो आ रहा था वो कैसा हो रहा था आपके पास, रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर आ रहा था। अब यहां पर आप देखिए ना कि अगर इसका मैं बोल रहा हूं कि ये टॉप वाला जो है ये कितना है आपके पास, कंप्रेशन फाइबर में आपके पास जो स्ट्रेस है वो कितना है, 0.45 FCK, तो यहां पर 0.45 है, तो यहां पर ही 0.45 है, तो यहां पर ही 0.45, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी क्या आपके पास 0.45 FCK है। टोटल आपके पास जो, आपके पास जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो है वो कैसा आपके पास आपको देखने को मिल रहा है, वो कैसा आपके पास, यूनिफॉर्म है। पहले वाले केस में की बात करूं मैं, पहला वाला केस मतलब आपका जो फ्लैंज जो था वो कहां पर लाई कर रहा है आपके पास, आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर लाई कर रहा है। ये क्या आपके पास, इसके नीचे पैराबोलिक पोर्शन है, यहां पर क्या आपके पास रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर लाई कर रहा है। तो क्या हो रहा था वहां पर, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो टोटल कैसा आ रहा था आपके पास, यूनिफॉर्म आ रहा था। क्यों, क्योंकि जितना आपके पास टॉप में दिख रहा है वही उतना आपके पास पूरे जगह पे वही कितना आ रहा है, 0.45 FCK ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, इस केस में अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहां पर कितने आपके पास, ये आपके पास 0.45 FCK, तो यहां पर 0.45 FCK है, यहां पर भी आपके पास, ये क्या आपके पास रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना आपके पास 0.45 FCK है। लेकिन आप जैसे ही आप इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के आप नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से पैराबोलिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है आपके पास, पैराबोलिक रीजन स्टार्ट हो रहा है, पैराबोलिक रीजन स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा, इस पॉइंट तक आपका 0.45 FCK तो था, लेकिन अब क्या होगा आपके पास, वाली वैल्यू क्या होते जा रही है आपके पास, वो वाली वैल्यू आपके पास कम होते जा रही है, क्योंकि रीजन कैसा आ गया वहां पर, पैराबोलिक रीजन आ गया। मतलब ये क्या है आपके पास, ये वाला जो रीजन है ये कितना आपके पास, दिस इज 4/7 XU। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में आपके पास जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, कहां पर, फ्लैंज में, ठीक है। अगर मैं फ्लैंज की बात करूं, जब तो टोटल डेप्थ ऑफ फ्लैंज में आपके पास जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था वो कैसा आ रहा है, इस केस में आपको, इस केस में कैसा आ रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उस केस में कैसा आ रहा था आपके पास, यूनिफॉर्म आ रहा था,
लेकिन इस केस में क्या रहा, कैसा आ रहा है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अपन देखते हैं। अगर एनालिसिस अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। ये क्या था आपके पास, दिस इज योर टी बीम, ये कैसा आपके पास, ये आपके पास टी बीम है। आपके पास अगेन क्या हो रहा है, आपके पास न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कहीं पर देखने को मिल रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं, इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो ऐसा है, ये यहाँ पर टेंशन फोर्स है। अब क्या हो रहा है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है पैराबोलिक रीजन में। वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका, पैराबोलिक रीजन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपके पास, 3/7 XU। और हमारी जो DF जो है, हमारे पास जो DF है वो क्या हो रहा है, DF क्या हो रहा है आपके पास, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 3/7 XU से ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब पैराबोलिक रीजन में आ रहा है। ठीक है, अब अगेन मैं क्या करूँगा इसको, मैं बोला इसको मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा, इस क्रॉस सेक्शन को। ये वाला वेब का जो है टोटल उसको मैं बोल दिया फर्स्ट, इसको मैं बोल दे रहा हूँ सेकेंड वाला। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास, BF, इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, BF। ये डेप्थ हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, BW। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेक्शन को मैं अलग अलग एनालाइज कर रहा हूँ। अलग अलग एनालाइज किया मतलब ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला सेक्शन बन गया। अगेन कैसा बनेगा ये, अगेन कैसा बनेगा, एज अ सिंगली रीइन्फोर्स्ड बीम। एज अ कैसा दिख रहा है आपको, सिंगली रीइन्फोर्स्ड बीम दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है गैस। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेना। ये कैसा है आपके पास, सिंगली रीइन्फोर्स्ड बीम, अगेन टेढ़ा ही बना है, छोड़िए। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये फ्लैंज आ गया। ठीक है, यहां पर मैंने ये फर्स्ट वाले सेक्शन को मैंने लिया, फर्स्ट वाले सेक्शन को मैंने उठा के यहां पर रख दिया, बचा कौन सा, ये सेकेंड वाले जो सेक्शन थे ये दोनों को उठा के मैंने क्या किया, एक कंबाइंड एक सेकेंड सेक्शन बना दिया। इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी BW। इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल में से BW को आप माइनस कर लो, इफेक्टिव में से BW को आप माइनस कर लो, क्योंकि BW को मैंने अलग से यहाँ पर लिख लिया। तो ये तो सिंगली रीइन्फोर्स बीम है तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका जैसा बनता है वैसे ही बनेगा, सिंगली रीइन्फोर्स बीम का जैसा एनालिसिस होता है। इसमें अपन को रेक्टेंगुलर पैराबोलिक के बारे में बात ही नहीं करनी है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास C1 और ये क्या है हमारे पास T1। अब बात करेंगे हम जो मेन जो है वो हम बात करेंगे इसकी। अगर मैं इसकी बात किया तो अब क्या हो रहा है, पिछले वाले केस में मैंने क्या किया था, यहाँ पर सिर्फ रेक्टेंगुलर बनाया था, यहाँ पर पिछले वाले केस में यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया था, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आपका जो फ्लैंज है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन में लाई कर रहा है। लेकिन अगर इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में आपके पास यहां से यहां तक तो आपके पास रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैसा आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया पैराबोलिक। ठीक है, यहां से आपका यहां तक आपको रेक्टेंगुलर देखने को तो मिला, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद क्या आ गया आपके पास, उसके बाद आ गया पैराबोलिक। तो आप यहां पर देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या है आपके पास, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस केस में क्या कर रहे हैं, IS कोड ने बोला है, IS कोड ने रिकमेंड किया है आपको कि फॉर द डेप्थ DF, ठीक है, The stress distribution is non uniform. Hence we consider uniform stress distribution diagram. Uniform stress distribution diagram for an equivalent depth YF। ठीक है, अब क्या बोला आपको
कि सिंस आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो DF जो है उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर आपको उसके लिए क्या मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रेस डायग्राम मिल रहा है। इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ना आप यहाँ पर देखें कि ये क्या था आपके पास, हम यहाँ पर एक इक्विवेलेंट डेप्थ को ले ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट डेप्थ को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था। तो इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्विवेलेंट डेप्थ ले ले रहे हैं, कौन सी, वाई एफ। तो वाई एफ में क्या कर रहा हूँ, वाई एफ में क्या कर रहा हूँ, मैं वाई एफ को यहाँ से ले ले रहा हूँ, ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से मैं क्या किया, मैंने वाई एफ को ले लिया। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, दिस इज हमारे पास वाई एफ है। उसके लिए मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो रेक्टेंगल जो था उसके लिए जो स्ट्रेस डायग्राम है वो पूरा ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला जो नॉन यूनिफॉर्म जो आ रहा था उसको मैंने हटा के मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया। तो ये मैंने कैसा बना दिया, एक इमेजिनरी मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पर बना लिया। ये कितना हमारे पास, 0.45 FC के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई एफ जो है वो डी एफ से हमने क्या किया, थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर ले लिया। और उसकी वैल्यू के कंसिडर पे हमने यहाँ पर देखा कि जो स्ट्रेस डायग्राम जो हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म था, एक इमेजिनरी हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट था उसको यहाँ पर फिल करके एक इमेजिनरी हमने क्या किया, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमने यहाँ पर क्या किया, फॉलो कंसिडर यहाँ पर कर लिया। तो ये कितना था हमारे पास, विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ कितना था हमारे पास, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, अब जो इमेजिनरी जो आया वो कितना है हमारे पास, 0.45 FC के। और जो डेप्थ जो हम लेंगे वो कितनी ले लेंगे हम, वाई एफ। तो इस केस में आप क्या करिएगा, आप ये वाला मत बनाइएगा क्योंकि ये क्या है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म है। आप एक यूनिफॉर्म ही बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, यूनिफॉर्म ही बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर उसकी जो डेप्थ लेंगे वो कितनी लेंगे, वाई एफ। और यहाँ पर उसका जो डायग्राम जो बनेगा वो अगेन कैसा बनेगा, एज अ रेक्टेंगुलर डायग्राम ही उसका बनेगा, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो ये क्या आपके पास, 0.45 FC के। और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है आपके पास, वाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वाई एफ ले लिया। अब आई एस कोड जो वाई एफ जो लिया है इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, तो वहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो वाई एफ की जो आप वैल्यू लोगे वो कितनी लोगे, इट इज़ 0.65 × DF प्लस 0.15 × XU। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सेंट्रल लेवल AE या फिर JEE में, आपको सीधा सीधा वाई एफ की वैल्यू आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास कंडीशन ये वाली दे दिया गया कि आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब पे लाई कर रही है, तो आप उसका जो इक्विवेलेंट डेप्थ लोगे, ठीक है, पैराबोलिक रीजन पे अगर लाई कर रहा है उसका फ्लैंज, तो उसका जो इक्विवेलेंट जो डेप्थ लोगे वाई एफ वो कितना लोगे, 0.65 DF × 0.15 × XU। समझ में आया। तो अगर आप इसका, अब अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स बोलूं तो यहाँ पर इसका सेंटर पे एक्ट करेगा ये, दिस इज C1। और यहाँ पर अगर इसका टेंशन लोगे, चलिए इसको यहाँ पर शो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या आपके पास टेंशन, इसको ले लेना आप T2। ठीक, अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 reinforcement है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 2 reinforcement और यहाँ पर 1 reinforcement और यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं T1 और T2 बोल रहा हूँ। नहीं तो आप जितने reinforcement अगर आप यहीं पर बोले हो तो टोटल ये T हो जाएगा, और यहाँ पर आप T2 शो करने की नीड नहीं है, जैसा भी मर्जी आप ऐसा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब अगर मैं C1 की बात करूँ तो C1 हमारे पास कैसा था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या है हमारे पास, C1 + C2। C1 कैसा है हमारे पास, C1 हमारे पास जैसे हमने सिंगली रिइंफोर्स बीम को हमने डिज़ाइन किया था, ये वाला जो पहला वाला जो पार्ट है ये क्या है आपके पास, सिंगली रिइंफोर्स बीम ही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है। बस यहाँ पे विड्थ कितना आपके पास, BW। तो C1 आपके पास सिंगली रिइंफोर्स बीम में कंप्रेसिव फोर्स कितना आता था, 0.36 FC के B × XU। तो यहाँ पे B की जगह क्या लोगे आप, विड्थ ऑफ द वेब। C2 की अगर मैं बात करूँ, C2 क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, विड्थ। तो आपका स्ट्रेस का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, ये वाला, ये कितना आपके पास, दिस इज़ योर वाई एफ। तो ये जाएगा 0.45 FC के × YF। ये हो जाएगा आपके पास 0.45 FC के × YF × विड्थ कितना है आपके पास, जो विड्थ है वो कितना है, BF - BW।
बी डब्लू, तो यहाँ पर जो विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। समझ में आया? तो यहाँ पर बस एक ही चेंज आपको देखने को मिलेगा पहले वाले केस से। पहले वाले केस में यहाँ पर जहाँ पर आपने डी एफ लिया था, नेक्स्ट केस में आप डी एफ की जगह पे क्या ले लोगे, आप वाई एफ ले लोगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि रीज़न क्या हो रहा था, कि जब भी आप डी एफ लिए थे पिछले वाले केस में, जब भी आप डी एफ लिए थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर आ रहा था, तो टोटल जो स्ट्रेस जो टॉप में है वही फ्लैंज के बॉटम में भी सेम स्ट्रेस है, तो स्ट्रेसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन थे वो कैसे थे आपके पास, यूनिफॉर्म। लेकिन इस केस में डी एफ कैसा आ रहा है आपके पास, डी एफ आपके पास जो आ रहा था टोटल वो आपके पास पैराबोलिक रीजन में आ रहा था, तो ऊपर रेक्टेंगुलर है नीचे पैराबोलिक है, तो जो टोटल जो स्ट्रेस हो गया वो कैसे हो गया आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो हमने क्या किया, वो डी एफ की जगह पे हमने वाई एफ को एक इक्विवेलेंट डेप्थ को हमने कंसिडर किया, वो इक्विवेलेंट डेप्थ पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट उसका जो हमने क्रॉस सेक्शन उसका जो हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा वो कैसा देखा, हमने यूनिफॉर्म देखा। तो उसकी जो विड्थ डेप्थ की जो वैल्यू थी वाई एफ वो ये वाली वैल्यू थी, तो जहाँ जहाँ पर आपने डी एफ लिया था उसकी जगह पे आप क्या कर लेंगे, वहाँ पर आप ले लेंगे बी एफ सॉरी वाई एफ। क्लियर है? डी एफ की जगह पे आप वहाँ पर ले लेंगे वाई एफ। तो अगर ये क्या था आपके पास, सी वन और सी टू का आपके पास वैल्यू एनालिसिस। अगर मैं देखूँ इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, लीवर आर्म कितना हो जाएगा इसका, लीवर आर्म अगर मैं बोलूँगा सेंटर पर एक्ट कर रहे हैं तो ऊपर से कितना हो गया वाई एफ बाई टू, और नीचे वाला कितना हो गया अगेन ये भी वाई एफ बाई टू। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, ऊपर से लेकर यहाँ तक स्मॉल डी, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल डी माइनस वाई एफ बाय टू, ये वाला क्या हो जाएगा लीवर आर्म। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगेन सेम। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सयू लिमिट। एक्सयू लिमिट का फॉर्मूला के इंटू डी, के का फॉर्मूला डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे, कितना कितना 0.53 0.48 0.46। तो सबसे पहले आप निकालोगे एक्सयू लिमिट के इंटू डी, सेकेंड आप निकाल लेना एक्सयू कैसे सी इक्वल्स टू टी कर लेना, सी मैंने आपको बता दिया अभी अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन किया, सी वन प्लस सी टू वो वाली वैल्यू इक्वल्स टू टी कितना हो जाएगा आपका 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी। अलग अलग रीइन्फोर्समेंट ले रहे हैं तो 0.87 एफ आई ए एस टी वन प्लस 0.87 एफ आई ए एस टी टू। थर्ड में आप कंपेयर कर लेना एक्स यू आपके पास इक्वल टू है एक्स यू लिमिट से कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ग्रेटर देन होगा तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन। फोर्थ में क्या आता है आपके पास, फोर्थ में आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये सी वन जेड वन प्लस सी टू जेड टू। आप टेंशन से भी ले सकते हो टी वन जेड वन प्लस टी टू जेड टू, तो सी वन कितना होगा आपके पास 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू, जेड वन कितना है डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। सर ये क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि ये तो अपन एज अ पूरा सिंगली रिइंफोर्स बीम की तरह रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह हमने एनालाइज किया था, प्लस यहाँ पर अब हमने फ्लैंज का लिया था तो कितना था 0.45 एफ सी के इंटू वाई एफ इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा डी माइनस वाई एफ बाय टू। क्लियर? तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन से। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन से बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास टी वन प्लस टी टू, टी वन कितना है हमारे पास 0.87 एफ वाई ए एस टी वन इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू प्लस 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी टू इंटू डी माइनस वाई एफ बाय टू। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो ये था आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, गेट में एक आध बार पूछा गया है, ई एस यू एस में तो काफ़ी बार पूछा गया है वाई एफ का फॉर्मूला, वाई एफ का सीधा सीधा आप मेरे को बता दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्लैंज बीम की, तो फ्लैंज बीम में अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्टिंग में जो इफेक्टिव विड्थ बताया था ना, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी काफ़ी बार देखने को मिला है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। बाकी गेट वेट में हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लैंज बीम से क्वेश्चन कम आते हैं कंपैरेटिवली, फ्लैंज बीम से एक आधी बार क्वेश्चन आया है ये वाला वाई एफ निकालने के लिए। और जो मेन जो क्वेश्चन आता है फ्लैंज बीम से वो आता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए,
बात करता है, उसमें मैंने आइसोलेटेड बीम का जो मैंने बताया था, टी बीम, एल बीम, उसकी जो वैल्यूज़ बताया था, वो सब देखने को मिलती है। बाकी ये तीन केस थे, बेसिकली तीन केस हैं नहीं, दो केस हैं। कौन कौन से? पहले केस में आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के अंदर पे लाई कर रहा है, दूसरे केस में आपका न्यूट्रल एक्सिस वेब के अंदर पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो सेकंड वाला जो केस है, जहाँ पर आपका न्यूट्रल एक्सिस वेब के अंदर पे लाई कर रहा है, उसके भी दो केस बन गए। दो केस कौन कौन से? पहला केस बना कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ जो फ्लैंज जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन में आ रहा है स्ट्रेस डायग्राम के, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सेकेंड वाला जो केस हो रहा है, उसमें हो रहा है आपके पास कि जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है वो कहाँ पर आ रहा है? आपके पास पैराबोलिक रीजन में आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? आपके पास नॉन यूनिफॉर्म क्या हो रहे हैं वहाँ पर? स्ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या होगा? हमने वहाँ पर उसको, हमने वहाँ पर चेंज किया किससे? इक्विवेलेंट डेप्थ से हमने वहाँ पर चेंज किया। तो इक्विवेलेंट डेप्थ हमने वाई एफ का फॉर्मूला लिख लिया, वो कुछ ये 0.65 डी एफ प्लस 0.15 एक्स यू हमें वहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये तीन केसेस थे, तीनों केसेस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। आपको एनालाइज करके देखना है कि आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है और जो न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला है, तो दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों कंसिडर करके देखना है कि वो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर आ रहा है कि वेब के अंदर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट केस में आप देखोगे कि अगर मान लीजिए वेब में आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपके पास जो डेप्थ का जो फॉर्मूला है फ्लैंज का, वो 3/7 एक्स यू से कम है कि ज़्यादा है। तो उसके कंसिडरेशन में आप ये दोनों केसेस के एनालिसिस को आप फॉलो करेंगे। समझ में आया? तो ये तीन केस मैंने आपसे डिस्कस किया था, और उसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए इतने अच्छे से नोट्स तो मतलब ऐसे फ्री में तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हम आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है? बस पेन कॉपी लेके आपको नोट डाउन करना है। वो भी नहीं कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ई एस में आपके पास आया हुआ है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया M20 Fe415 से यूज़ करना है, और आपको निकालना है टी बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है आपको, सारे आपको वैल्यूज दे दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं विड्थ ऑफ फ्लैंज के बारे में बात करूं, तो ये दिया हुआ है आपको 1000 mm। ये कितना दिया आपको? 1000 mm। नेक्स्ट आपको डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी आपको गिवन है, कितनी है ये? 100 mm। और आपको दिया गया है विड्थ ऑफ वेब आपको गिवन है 300 mm। 300 mm यहाँ पर आपके पास चार रीइन्फोर्समेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास चार रीइन्फोर्समेंट है 25 mm की, डायमीटर कितना है उसका? 25 mm का। और यहाँ पर उसका जो इफेक्टिव कवर दिया है वो 50 mm दिया हुआ, 50 mm दिया गया है। और टोटल जो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ है वो कितना है आपके पास? 500 mm की आपके पास क्या दिया गया है? इफेक्टिव डेप्थ आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप निकालिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मैं आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास, सबसे फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे क्या? एक्स यू लिमिट आप देखेंगे, ठीक है, एक्स यू लिमिट। उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस यहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, आपको क्या हुआ है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके पास जो फ्लैंज का जो डेप्थ है, फ्लैंज का जो डेप्थ है, आपका जो न्यूट्रल एक्सिस जो आ रहा है, एक्स यू जो आपके पास आ रहा है, हमें ये पता नहीं है कि वो फ्लैंज के अंदर आ रहा है कि वो वेब के अंदर आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर वेब के अंदर आएगा तो हमें केस नंबर 2 में जाना पड़ेगा, फ्लैंज के अंदर आएगा तो हमें केस नंबर 1 में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हमें पता नहीं है अभी कि आपका न्यूट्रल एक्सिस कैसा आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ, अजम्पशन मैं लेके चल रहा हूँ, अज्यूम कि मेरा एक्स यू क्या हो रहा है, हमारे पास जो फ्लैंज की जो डेप्थ है उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू, अगर हमारा अजम्पशन अगर करेक्ट होगा तो हम इसी केस में आगे बढ़ेंगे, अगर अजम्पशन हमारा रॉन्ग होगा तो हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला मैं क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर ले रहा हूँ केस नंबर 1 से कि क्या है हमारे पास, एक्स यू क्या है हमारे पास, लेस देन है किससे, डी एफ से। चलिए तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ एक्स यू लिमिट,
एक्स की लिमिट कितना हो जाएगा हमारे पास के इंटू डी, के इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास डी। के की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0.53, 0.48 और 0.46 किसके लिए, एफ ई 250, एफ ई 415 और एफ ई 500। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा दिया है एफ ई 415 दिया है, तो हम के की वैल्यू कौन सी यूज़ करेंगे 0.48। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, इफेक्टिव डेप्थ आपको यहाँ पर टोटल डेप्थ आपको दी गई है 500, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया है क्योंकि इफेक्टिव कवर भी तो दिया गया है। टोटल डेप्थ आपको कितनी दी गई है 500 mm की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स यू लिमिट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा k इंटू डी, के कितना है हमारे पास 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल डेप्थ जो है माइनस क्या कर दूंगा मैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर कितना है हमारे पास 50, तो 500 माइनस 50 किया तो कितना मिला मुझे 450 mm। तो आप यहाँ से एक्स यू लिमिट कैलकुलेट करिए कितना है आपके पास 0.48 इंटू 450 mm, आप उसको कैलकुलेट करिए, कितना है ये 216 mm, कितना आ गया ये 216 mm, ठीक है। सेकेंड सेकेंड केस में क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेप नंबर टू में मुझे क्या निकालना है, एक्स यू निकालना है। अब एक्स यू निकालने के लिए देखिए, एक्स यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, टेंशन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी की जो वैल्यू है वो तीनों केसेस के लिए अलग अलग थी। केस नंबर वन में अगर आपके पास न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है, फ्लैंज में लाई कर रहा है, तो आपके पास सी की जो वैल्यू थी वो कैसे थी, एज अ सिंगली रिइंफोर्स बीम हम जो जैसे कंसिडर करते थे रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसी का सिंपल फॉर्मूला लिख लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास केस नंबर टू में क्या हो रहा है हमारे पास, कि अगर आपके पास न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रही है, वेब में लाई कर रही है, तो हम उस केस में क्या करते थे, हम उस केस में देखते थे कि आपके पास जो फ्लैंज है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन में है कि पैराबोलिक पोर्शन में है। तो उसके हिसाब से क्या होता था आपके पास, अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन में होता था तो जब कंप्रेसिव फोर्स निकालते थे तो C1 प्लस C2 करके निकालते थे, जहाँ पर हम किसको कंसिडर करते थे, हम DF की वैल्यू को कंसिडर करते थे, मतलब DF की वैल्यू कंसिडर करते थे। लेकिन अगर वो क्या हो रहा है आपके पास पैराबोलिक रीजन में अगर आ गया फ्लैंज, तो हम वहाँ पर DF की जगह हम क्या ले देते हैं, YF की वैल्यू को हम क्या करते थे, कंसिडर करते थे, और YF की वैल्यू भी हमें क्या होता था DF के थ्रू मिल जाता था, जो आपका XU और जो DF है उसके रेस्पेक्ट में आपको मिल जाता था। अभी क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अज्यूम करके लेके चले हैं कि हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, कि XU क्या हो रहा है आपके पास लेस देन DF है, DF कितना है हमारे पास 100। तो पहले केस में अगर मैं XU लेस देन DF लेके चला और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं केस नंबर वन से चलूंगा, सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं केस नंबर टू में जाऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे ए केस है कि बी केस है केस नंबर टू का। तो सबसे पहले केस में XU लेस देन DF है, तो मतलब हमारे पास इसको कैसे डिजाइन करना है, एज अ सिंगली रीइंफोर्स बीम ही डिजाइन करना है। सिंगली रीइंफोर्स बीम में C का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, कंप्रेसिव फोर्स कितनी होती है 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU। अब ये B कौन सा, B हमारे पास विड्थ ऑफ द फ्लैंज BF, ये मैंने आपको समझाया था, इक्वल्स टू T कितना हो जाएगा 0.87 इंटू FY इंटू AST। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है XU 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू BF, और हमें चेक करना है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन DF कितना है हमारे पास, DF कितनी है हमारे पास 100 mm, ठीक है। अगर ये लेस देन 100 mm आया तो हमारा assumption सही है, हमारा assumption क्या है हमारे पास सही है, और अगर लेस देन 100 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमारा assumption क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे केस नंबर टू से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर XU देखते हैं, तो XU कितना हो जाएगा हमारे पास, XU हो जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू AST कितना है हमारे पास, चार बार लगे हैं किसके 25 mm के, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर अपॉन 0.36 इंटू FCK कितना है हमारे पास 20 इंटू BF कितना है, हमें विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमें दे दी गई है कितनी 1000 mm, ठीक है, एक्चुअल फ्लैंज नहीं, एक्चुअल विड्थ नहीं है, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज ही आपको गिवन है, तो ये कितनी है ये 1000 mm। इन केस मान लीजिए अगर यहाँ पर बोलता कि ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या आपके पास एक्चुअल
विड्थ है, तो वहां पर आपको बीएफ निकालना होता, तो उसके लिए आपको स्पैन वगैरह भी दिया होता, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं एल नॉट वगैरह की वैल्यू भी आपको गिवन होता, बट यहाँ पर क्या है ये इफेक्टिव ही मान के चलेंगे इसे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आप निकालिए, इसको आप यहीं पर देखिए, इसको कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉइंट एट सेवन इंटू 415 इंटू पाई बाय पाई इंटू 25 का स्क्वायर अपॉन 0.36 इंटू 20 इंटू 1000, वैल्यू कितनी आई आपकी, तो ये आपको देखने को मिल रही है कुछ 97.92 mm, ठीक है, ये कुछ आपको देखने को मिल रहा है, कितना 97.92 mm आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लेस देन है कितना 100 mm से, हमारे पास जो डी एफ था 100 mm से, उससे क्या आ रहा है ये कम आ रहा है, तो मतलब हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है, इसकी जो डेप्थ है एक्स यू वो कितनी है आपके पास 97.9, मतलब 98 बोल दीजिए आप उसको, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, हमारे पास कौन सा हो रहा है, ये केस नंबर वन, केस नंबर वन हमारा एजम्पशन जो है वो सही है, हम इसको सॉल्व करेंगे केस नंबर वन से, केस नंबर वन में मतलब अब यहाँ पर एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ही इसको क्या करेंगे डिज़ाइन करेंगे, सिंगल रिइंफोर्स बीम के जैसे डिज़ाइन करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालिए, नेक्स्ट आप देखेंगे एक्स यू और एक्स यू लिमिट, एक्स यू भी आप देखेंगे तो लेस देन क्या है आपके पास एक्स यू लिमिट है, ठीक है, तो मतलब आपके पास एक्स यू लिमिट कितना आया था 216, एक्स यू कितना है आपके पास 97, तो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे एज अ अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, तो अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं निकालने के लिए कहूँ तो कितना हो जाएगा सी इंटू लीवर आर्म या फिर टी इंटू लीवर आर्म कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी एफ इंटू एक्स यू इंटू कितना हो जाएगा डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आप मेरे को सॉल्व करके बताइए तो कितना हो जाएगा ये 0.36 इंटू एफ सी के कितना है 20 इंटू बी एफ कितना है 1000 इंटू एक्स यू कितना है हमारे पास 97. कितना है 97.92 इंटू डी कितना है हमारे पास 450 माइनस 0.42 इंटू 97.92, सॉल्व करिए, ये वाला इक्वेशन लिखिए, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो नीचे वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे सॉल्व करके देखिए आप कितना आ रहा है, कितना देखने को मिल रहा है 289.78 किलो न्यूटन मीटर, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इंटू 10^8 में आएगा आंसर, इंटू 10^8 में आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए एफ सी के एफ वाई ये सब जो भी आप ले रहे हैं सबको आप न्यूटन और एमएम में ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो यूनिट लिखी है वो किस में लिखी है, मैंने किलो न्यूटन और मीटर में लिखा हूँ, तो मतलब मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय कर दूंगा 10^6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 289.78, मैंने ये वाले इक्वेशन से मैंने निकाला, आप एक बार चेक कर लीजिए, इससे भी आप निकाल के देख लीजिए आपकी वैल्यू इसके आसपास आ रही है कि अलग ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0.87 एफ आई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू करके भी आप देखिए आपके पास वैल्यू कितनी मिल रही है, अराउंड सेम ही आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गई तो मतलब आपने कुछ वहाँ पर गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आया था, ये वाला ईएस का क्वेश्चन था, तो आपने देखा केस नंबर वन में ये क्या हो गया आपके पास सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, लेकिन इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं उसको भी हम देख लेंगे अच्छे से, तो
तो ये मैंने एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको बताया जो कि ईएस का क्वेश्चन था। यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास एक ज़्यादा मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो वहाँ पर केस नंबर टू से काफ़ी कॉमन है कि आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, केस नंबर टू से देखने को मिल सकता है, लेकिन केस नंबर टू का जो बी वाला जो पार्ट है वो मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली विथ ये वाला और केस नंबर टू के फर्स्ट वाले पार्ट से। उसमें लेकिन वाई एफ वगैरह की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी अगर आप ई एस वगैरह की बात करें तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले हैं। यूनिवर्सिटी में वहाँ से शायद ना देखने को मिले, बट फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का था, इसके बाद अपन देखेंगे उसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, सारे के क्वेश्चंस करेंगे एसआरबी डीआरबी और फ्लैंज के, उसके हम अच्छे से क्वेश्चन वगैरह करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपका मॉड्यूल नंबर टू भी ऑलमोस्ट जितना समझाने वाला पार्ट था वो सब हो गया है, प्रैक्टिस वाला पार्ट अभी भी रिमेनिंग है, तो वो आप पे मेन लाई करते हैं कि आप उसको कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।